हेलो दोस्तों, हमारे सीवी के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये हमारा शॉर्ट फॉर्म है सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज चैनल, ठीक है ना। तो हमने शॉर्ट में लिख दिया सिविल इंजीनियरिंग बेसिक नॉलेज चैनल को सीवी के चैनल। तो हम आपको मेथोलॉजी बता रहे थे रेनफोर्समेंट के बारे में। तो हमने आपको स्टोरेज बता दिया था, ठीक है ना, फिक्सिंग बता दिया था। अब ये है साइट इंस्टॉलेशन, साइट पर कैसे इंस्टॉलेशन करना है रेनफोर्समेंट का मेथोलॉजी, ठीक है। तो देखिए, इसमें ये पांच पॉइंट है, पांच बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप साइट पे स्टील को इंस्टॉल करें तो इन पांच पॉइंट को ध्यान में रखना है आपको, और मेथोलॉजी के इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है ना। साइट पे जब स्टील को इंस्टॉल करें तो इसको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है नेसेसरी स्कैफोल्डिंग शैल बी प्रोवाइडेड फॉर बाइंडिंग स्टील फिक्सिंग। जब भी हम स्टील को फिक्स करें जहाँ पे इसकी फोल्डिंग की ज़रूरत है, नहीं जैसे अभी क्या होता है कि काफ़ी डेप्थ होती है, हम कोई राफ्ट ये अंडरग्राउंड टैंक की जो है स्लैब बांधते हैं, या इसके स्लैब बांधते हैं हम मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग की, तो आउटर वाला पार्ट जो रहता है रेनफोर्समेंट का बीम का, वो बिना इसकी फोल्डिंग के हम बांध नहीं सकते। तो इसलिए आउटर में हमें क्या करना है, इसकी फोल्डिंग लगाना ही लगाना पड़ेगा, वरना बहुत ही सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से वो बहुत रिस्की हो जाएगा। तो वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इसको बोलने की। सेकंड पॉइंट है बैंडिंग माइल्ड स्टील वायर शैल बी 16 गेज यूज टू टाई रेनफोर्समेंट बार। जब हम बाइंडिंग वायर यूज करते हैं रेनफोर्समेंट को बाइंड करने के लिए, तो उसमें हमें 16 गेज का ये ध्यान रखना है। बहुत ही अगर हम इंडेंट भी करते हैं, अगर हमने क्वान्टिटी को इंडेंट करके मांगाना है हमें स्टोर वाले से, तो ध्यान रखना हमें 16 गेज का बाइंडिंग वायर ही यूज करना है हमको, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कवर ब्लॉक टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टील ड्यूरिंग कॉन्क्रीटिंग ऑपरेशन। एक तो कवर ब्लॉक यूज होता है कहाँ पर, जब हम रेनफोर्समेंट फिक्स करते हैं प्लेस करते हैं, तो उस रेनफोर्समेंट टच नहीं होना चाहिए स्टील शटरिंग के फेस से, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर वो टच हो गया तो हम डिशटरिंग करेंगे, तो वो पार्ट अगर एक्सपोज होगा हमारा एटमॉस्फेयर में तो वहाँ पे रस्ट लगना चालू हो जाएगा, वो धीरे धीरे पूरे स्ट्रक्चर को ख़राब कर देगा, और वो मतलब बहुत ही रिस्की हो जाएगा स्ट्रक्चर के लिए। तो वो ध्यान रखना है आपको। और दूसरा क्या है, कवर ब्लॉक टू प्रिवेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्टील ड्यूरिंग कंक्रीटिंग। जब हम कंक्रीटिंग करते हैं, कंक्रीटिंग के दौर में क्या है, कवर ब्लॉक हम फिक्स करते हैं बीम में या बॉटम ऑफ बीम में या बॉटम ऑफ स्लैब में, ठीक है, या राफ्ट ऑफ स्लैब में, तो वो चारों तरफ से एकदम फिक्स करके रखता है कवर ब्लॉक, ठीक है ना। ये भी काम होता है, कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होने देता है इधर से उधर, वो फिक्स करके रखता है। द थिकनेस ऑफ कवर ब्लॉक शैल बी एज पर GFC ड्राइंग। कवर ब्लॉक हमें एज पर GFC ड्राइंग जो भी स्टैंडर्ड्स नोट्स हैं उनके हिसाब से हमें जो है कवर ब्लॉक लगाना है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है हमेशा। अगर हमारा डिज़ाइनर कवर ब्लॉक का थिकनेस बढ़ा देता है तो हमें उसी के हिसाब से रखना है, वो डिज़ाइन करता है सॉइल के स्ट्रेटा के हिसाब से, सॉइल का क्या बेरिंग कैपेसिटी है, या फिर जो है वहाँ का जोन के जोन का क्या है स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है। वेन एवर रेनफोर्समेंट आर प्लेस्ड इन टू और मोर लेयर्स मिनिमम 25 mm स्पेसर बार शैल बी प्लेस्ड बिटवीन लेयर्स। जब हम बीम बांधते हैं तो क्या होता है, सपोर्ट में या मिड में बीम के, ठीक है, तो वहाँ पर ऊपर भी हमें मेन बार डालनी होती है और एक्स्ट्रा डालनी होती है, तो उन दोनों के बीच में हमें गैप किससे रखना है, 25 mm स्पेसर बार से, ठीक है। तो इसका भी इंस्टॉल करते टाइम इस बात का भी ध्यान रखना है हमें। फिफ्थ पॉइंट है स्टील अराउंड ओपनिंग एंड स्लीव्स शैल बी प्रोवाइडेड एज पर जस्ट डाइंग। जहाँ भी ओपनिंग आती है, जैसे हमारा ये ओपनिंग आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्टील शेयर फेलोर के लिए हमें रोकना है, ठीक है ना। तो हमने स्टील ऐसे देना है, हम ओपनिंग में हम स्टील इस तरह से देंगे, ठीक है, या स्लीव जा रहा है हमारा, स्लीव जा रहा है, ठीक है ना, तो वहाँ भी स्टील हमें ऐसे ही देना है, ये इस बात का हमें ध्यान रखना है स्टील का, ठीक है। इसके बारे में हम कितना स्टील देना है, कितने डायग होना चाहिए, इसके बारे में हम अगला वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे आपको, ठीक है। तो ये पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम रेनफोर्समेंट को साइट पे इंस्टॉल करें तो इन पांच पॉइंट को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है।
इस वीडियो को हमारे को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, और जितना अपने फ्रेंड्स सुपरवाइजर फोरमैन को बता सको तो बताओ आप, क्योंकि उनको जानकारी मिलेगी तो साइट पर अच्छा काम कराएंगे, वो आउटपुट अच्छा देंगे, अपने इंजीनियर को अच्छे से समझा पाएंगे, ठीक है ना, और चेकिंग में दिक्कत नहीं आएगी। जब काम उनको अच्छा आएगा कराने का तो वो काम अच्छे से करा पाएंगे, उसमें टाइम कम बचेगा, टाइम कंजम्पशन कम होगा, वरना उनको ये नहीं समझ में आएगा हमने करना क्या साइड पे, हमने कितना कवर ब्लॉक लगाना है, टाइम समझ में नहीं आएगा इनको, ओपनिंग में कितना स्टिल देना है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो वो क्या है कि कुछ भी जो है गलत काम कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ उनको पता होना चाहिए। कोई भी अगर मेरी वीडियो फोरमैन सुपरवाइजर अगर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर सारी वीडियो देखें, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो चलिए, और बीच में मैंने आपको इस वीडियो इससे पहले दो वीडियो मैंने अपलोड करी हैं, ठीक है, उसमें मैंने जो फुटिंग है, फुटिंग में स्टील जो देना है, फुटिंग का स्टील कैसे देना है वो मैंने बता दिया, उसका कैसे BBS निकालना है वो भी बताया मैंने आपको, ठीक है, तो वो ज़रूर देखें। वो मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमारा ये टॉपिक चला है रेन्फोर्समेंट का, तो उसको बताना बहुत ज़रूरी है, तो वो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा, वो वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।